नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर काफ़ी गर्म है। कई बातें उन्होंने सुनाई है और साथ ही साथ ये कहा है कि बिहार में हालात डरावने होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के जरिए, वो हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछिए तो वो हड़प्पा काल की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन कीजिए तो नए फरमान जारी करते हैं, दबाव डालिए तो लीपापोती के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा, अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं। अगले ट्वीट में तेजस्वी लिखते हैं कि बिहार में बहुत ही डरावने हालात हैं। कौन कब किसे कैसे और क्यों मार दे कोई नहीं जानता। सुपौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, पटना, समस्तीपुर, जहां देखिए लूट, खून, बलात्कार, गोलीबारी, मर्डर, हत्या, हत्या और हत्या ही हत्या। बिहार में सरकार और विधि व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। बड़ा इल्जाम लगाया है तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार पर, प्रशासन पर और खास करके विधि व्यवस्था पर कि बिहार में विधि व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज अब रह ही नहीं गई है। किसी भी कोने को आप देख लीजिए बिहार के, चाहे आप वो सुपौल हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, नालंदा हो, सासाराम हो, पटना हो, समस्तीपुर हो या फिर बिहार का कोई भी दूसरा ज़िला हो, हर जगह आपराधिक घटनाएं हो रही है, खबरें सामने आ रही है लूट की, खून की, बलात्कार की, गोलीबारी की, मर्डर की और इन दिनों हत्या तो इतनी आम बात हो गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कौन कब किसे कैसे और कहां मार दे कोई नहीं जान सकता है। बिहार में हालात काफ़ी डरावने हैं और बिहार सरकार और विधि व्यवस्था के नाम पर बिहार में कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव साथ ही साथ नीतीश कुमार पर कई हमले भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछिए तो वो हड़प्पा काल की बात करते हैं, यानी कि जब सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार बीते सालों के शासन को दिखाने की कोशिश करती है कि पहले क्या हुआ करता था बिहार में, किस तरह की चीज़ें होती थी उसकी बात करने लगती है। धरना प्रदर्शन कीजिए तो नए फरमान जारी करते हैं। आपको पता है कि इन दिनों धरना प्रदर्शन को लेकर भी सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया, दबाव डालिए तो लीपापोती के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। तेजस्वी यादव यहां पर रुपेश मामले को लेकर बात कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि सरकार लीपापोती कर रही है, आखिरकार सीएम किसे बचाना चाह रहे हैं। अंत में लिखते हैं कि थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा, अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं। तो अपने दो ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़े सवाल दागे हैं। पूछा है कि आखिरकार बिहार की सरकार और बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू क्यों नहीं है, वो क्या वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, माफिया का, अपराधियों का क्या बिहार में राज चल रहा है, जो आए दिन अलग अलग इलाकों में आपराधिक घटनाएँ होती रहती है। देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के इस सवाल का सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।